ओम श्री साई राम। देखिए, जब भगवान हनुमान जी माता सीता की खोज में लंकापुरी पहुंचते हैं तो उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ विभीषण से ही मिले। तो विभीषण जी कहने लगे कि अब मोय भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। तो देखिए, हमारे जीवन में हम किन से मिलते हैं, ये भगवान की एक बड़ी कृपा होती है और इसके लिए हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें सत्संग और अच्छे लोगों का मिलना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। मैं आपसे शेयर करता हूं अपना एक मिराकल। मैं और मेरी वाइफ भगवान की कृपा से अपनी साल की शुरुआत पुट्टपर्ती में दर्शन करके ही करते हैं पिछले कई सालों से। ये भगवान की कृपा है। हम फर्स्ट वीक में हमारी भगवान की कृपा से हमारी टिकट फ्री होती है बच्चों की वजह से, तो हम फर्स्ट वीक में पुट्टपर्ती में दर्शन के लिए जाते हैं। इस दौरान वहाँ पर बाल विकास की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि श्री निमेश पांड्या जो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं और मिसेज कमला पांड्या जो हमारी बाल विकास की नेशनल हेड हैं और नीता खन्ना जी और हमारी स्टेट की कोऑर्डिनेटर मिस संगीता भटनागर जी पार्टिसिपेट करते हैं और भी बहुत सारे स्टेट के सारे कोऑर्डिनेटर आते हैं, बाल विकास के बच्चे आते हैं। बहुत ही मतलब देखने वाला कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि निमेश पांड्या जी एक भगवान की तरह से उनको सारे सर्टिफिकेट देते हैं, यूथ ड्रिल कराते हैं और यूथ को ओथ दिलवाते हैं जो कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जब जज आए थे उन्होंने ही बोला कि मुझे बहुत सारी ओथ मैंने ली हैं लेकिन ये वाली ओथ मुझे भगवान ने कभी नहीं दिलाई जो बाल विकास के बच्चों को निमेश पांड्या जी दिलाते हैं। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो जब हम ये और इसी दौरान में वहाँ की स्पोर्ट बच्चों की स्पोर्ट्स मीट भी होती है तो इट्स अ वेरी मेमोरेबल वीक इन दी पुट्टपर्ती इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो मैं जब हम यहाँ से पुट्टपर्ती से गए तो बॉम्बे में मैं गया क्योंकि बच्चे मेरे दोनों बेटा बेटी जेट एयरवेज में थे और ओबेरॉय स्प्लेंडर एक बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट है एयरपोर्ट के पास में, वो उसमें रहते थे। तो जब हम शाम को पहुंचे बॉम्बे और वहाँ पर मेरे बच्चों ने एक पैट मफिन करके रखी हुई है तो मैं उसको वॉक कराने के लिए गार्डन में गया तो मैंने एक बड़ी जानी पहचानी सी आवाज़ सुनी तो मैंने देखा कि निमेश पांड्या जी वहाँ पर वॉक कर रहे। तो आई वॉज शॉक, मैं कहा जी आप कैसे यहाँ पर, अभी तो हम सुबह पुट्टपर्ती में थे। तो वो भी कहने लगे कि आप कैसे, हम वहाँ पे थे। तो उन्होंने मैंने बोला कि मैं कहा जी मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पे जेट एयरवेज में पायलट हैं और वो यहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो तो अच्छी बात है और आप उनको बोलना हम यहीं पे। तो मतलब मेरा तो यहाँ पे फ्लैट है। तो देखिए, भगवान ने एक ऑल इंडिया प्रेसिडेंट से हमारी कितनी आसान जो है मुलाकात करवा दी कि भाई वो बड़े वही वहीं रह रहे हैं और हम भी वहीं रह रहे हैं। तो ये कितना बड़ा भगवान का है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। अब मैं दूसरा आपको बताता हूँ। हमारे माननीय श्री सुभाष धीर जी एक दिन पुट्टपर्ती में सेवा के टाइम की बात है, मैं और धीर साहब कुलवंत हॉल से आ रहे थे दर्शन करके सुबह के टाइम। तो धीर साहब बोले, कहते रवि जी मैं आपको एक बहुत ही भगवान की गूढ़ बात शेयर करता हूँ और भगवान की बड़ी कृपा है कि मेरी चार पीढ़ियां, वैसे तो भगवान ने बोला है सात पीढ़ियां का योग क्षेम वाम्यम करते हैं लेकिन मेरी चार पीढ़ियां उन्होंने अपने चरणों में रखी हुई हैं, मेरे पेरेंट्स भी, मैं भी और मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी, हम चार पीढ़ियों से भगवान ने हमारे को अपने चरणों में रखा हुआ। तो मैंने भी उनसे शेयर किया कि मेरी तीन पीढ़ियां भगवान ने अपने चरणों में रखी हुई हैं। मेरे मामा जी
हुए मैं आगरा से बिलोंग करते थे तो वो मामा जी जो है वो मोनी बाबा के नाम से आगरा में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 12 साल तक मौन व्रत धारण किया। तो एक दिन मेरे नाना जी ने उनकी और गांव के पंचों ने उनकी परीक्षा ली जब उनका मौन व्रत चल ही रहा था। तो उन्होंने एक हवन कुंड में सामग्री रखी और संविदा रखी और घी डाल दिया और कहा कि देवीराज अगर तूने बिना माचिस के इसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी तब हम समझेंगे कि तू मौनी बाबा है। तो मौनी बाबा ने एक ऐसे फूंक मारी और उस फूंक मारने के साथ ही हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई और ये ऐसा चमत्कार था कि वो मौनी बाबा के नाम से पूरे आगरा में प्रसिद्ध हो गए और वो एक संत थे और निस्वार्थ भाव से वो बिल्कुल साईं बाबा का स्वरूप थे। और मेरी माँ जो है उनकी बहन थी और वो कभी कभी आते थे तो कहते थे कि तू महारानी है और तेरे बच्चे जो है महाराज राजा महाराजा हैं। तो ये बात देखो कितनी सच है कि भगवान ने अपने चरणों की हमें धूल बनाया हुआ है और अपने चरणों की सेवा में और सिमरन में रखा हुआ है। वो साईं बाबा बनके मौनी बाबा ऑलरेडी हमारे को बोल गए। तो वो एक पीढ़ी हमारी भगवान ने अपने चरणों में ली, दूसरी हमारी पीढ़ी चरणों में ली और तीसरी हमारे जो बच्चे हैं वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करता हूँ। मेरे पिताजी जो है वो फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने आगरा की कमिश्नरी पर अंग्रेजों का झंडा काट के अपना तिरंगा फहरा दिया और बोला भारत माता की जय, जय हिंद। इतने में अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया और 2 साल की सजा दी। तो हमने उनसे पूछा कि चाचा अगर वो आपको मार देते तो उनका बिना कुछ सोचे समझे और इंस्टेंट रिप्लाई था हम तो तैयार थे, मारा नहीं सालों ने। देखो कितना बड़ा समर्पण था जो कि उस टाइम फ्रीडम की स्ट्रगल में जो कि समर्पण की बात थी कि बिना सोचे समझे उन्होंने काम तो तैयार थे लेकिन उन्होंने मारा नहीं। तो ये कितने बड़े समर्पण की बात है। दूसरी बात, मेरे भाई जो आर्मी में मेजर ऑफिसर रिटायर हुए, उन्होंने हमारे देश की 3 जो वॉर हुए हैं 1962, 1965 और 1971, इन तीनों वॉर में पार्टिसिपेट किया और भारत सरकार ने उनको वीर चक्र से सम्मानित किया। मैं उनको कोट कोट नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वास्थ्य और समृद्धि दें। दूसरे मेरे भाई साहब जो इंडियन एलायंस में अलायंस एयर में कैप्टन थे, उन्होंने पूरी तन मन से भारत माता की सेवा की और मेरा उन्होंने पालन पोषण उन्होंने ही किया, मेरी एजुकेशन और जो मैं आज कुछ भी हूँ उनकी कृपा से हूँ। मैं उनको तहे दिल से साष्टांग नमस्कार करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति और सुख की आशीर्वाद दें और उनके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करें। तो इस दिव्य चमत्कारों से हमें पता पड़ता है कि भगवान जो हैं हमारे कितने दयालु हैं और हम कितने भाग्यशाली हैं कि वो हमें अपने चरणों में रख करके और हमारे से सेवा और सिमरन की सेवा और सिमरन में ही हमें लगाए रखते हैं। इसकी मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ। अभी हम जब हरियाणा का सेवा दल ऑल इंडिया सेवा थी मार्च 2019 में, जबकि ये महामारी का शुरुआत हुई, तो हम करीब 18 सेवा दल पुट्टाभर्ती में ही थे 14 मार्च से लेकर के और 14 जून तक 2 महीने
हम वहाँ नॉर्थ कैंटीन में सेवारत रहे, जो कि श्री कोटेश्वर राव जो हमारे नेशनल सेवा कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने इस सेवा को बहुत ही एप्रिशिएट किया। और उस टाइम हम सब लोग तो परमानंद में थे, लेकिन पूरे विश्व में त्राई त्राई मची थी। तो भगवान अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, ये इस बात से सिद्ध होता है। तो इसलिए हमें भगवान को अपना सारथी मान के सेवा और सिमरन में लगे रहना चाहिए। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम।